सब्सक्राइब कीजिए प्रो टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रो टेक्निकल। और आज की इस वीडियो में हम जिस फोन की बात करेंगे उसका नाम है Mi A2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रहेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि Xiaomi ने अपना Mi A2 इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस अभी सेट हुआ है 16,000 या 16,500 के करीब। तो देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और ये क्या ये प्राइस और स्पेसिफिकेशन इस रेंज में ठीक है या नहीं। तो जो सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसमें आपको LTE वॉल्यूम LTE मिल जाता है, जो बेसिकली आजकल सारे फोनों में आता है। तो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो आपको इसमें मिल जाती है 6.25 × 2.97 × 0.29 इंचेस, जो काफ़ी थोड़ा दिखने में थोड़ा बड़ा होगा। जो वेट है, वेट की बात करें तो 166 ग्राम इसका वेट होगा। फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाएगा और जो पीछे की बॉडी है वो आपकी होगी एल्युमिनियम बॉडी। इसमें आपको ड्यूल सिम स्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले टाइप आपको मिल जाती है IPS LCD 16 मल्टी कलर्स के साथ। और अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन का साइज है 5.99 इंचेस। और अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, रेजोल्यूशन है इसकी 1080 × 2160 पिक्सल्स, 18:9 रेशो में, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, खासकर इस प्राइस में ठीक है, अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली ये मल्टी टच है, प्रोटेक्शन इसको मिल जाएगी। आई थिंक अभी इन्होंने वैसे ज़्यादा मेंशन नहीं करा, पर प्रोटेक्शन इसको होगी गोरिल्ला ग्लास से, जो कि आई थिंक 3 हो सकता है, 3rd गोरिल्ला ग्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो इसका एंड्रॉयड है जो 8.1 ओरियो है। ये एंड्रॉयड 1 के प्रोग्राम के अंडर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे को एंड्रॉयड 9 मीन्स पाई का अपडेट देखने को मिलेगा। जो हम अगर चिपसेट की बात करें, चिपसेट इसमें है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 660, जो कि ऑक्टा कोर है। इसमें से 4 कोर्स आपके 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की हैं और 4 कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की हैं। अगर हम GPU की बात करें, GPU है इसका एंड्रीनो 512। और नेक्स्ट हम बात करें अगर मेमोरी और स्टोरेज की, तो इसमें आपको कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज में इसके 3 वेरिएंट आते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, या फिर 4GB रैम 64GB स्टोरेज, या 4GB रैम 32GB स्टोरेज। तो अगर हम रियर कैमरा की बात करें, तो इसमें आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, 20MP और 12MP, जिसका अपर्चर है f1.8। ये ड्यूल LED फ्लैश के साथ HDR पैनोरामा, जो कि मेनली है ही है। तो ये बैक कैमरा 4K वीडियोस तक कैप्चर कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, सेल्फी कैमरा इसका 20MP का, जो कि है अपर्चर f2.2 का, जो कि बहुत ही बढ़िया सेल्फीज आएंगी जिससे आपकी, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपका AI कैमरा है। तो इसमें आपको फ्रंट में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, ऑटो HDR है इसमें, जो वीडियो है इसकी 180 तक भी कर सकता है आगे रिकॉर्ड्स, जो कि खास की बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, वो भी इस प्राइस की रेंज में। तो अगर हम इसमें साउंड की बात करें, तो साउंड इसमें स्पीकर है और आपको इसमें कोई हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप USB टाइप सी टू 3.5mm हेडफोन जैक अडेप्टर लेते हैं, तो आपको एक इफेक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर शायद ये दे सकते थे, पर इन्होंने शायद नॉइस कैंसलिंग की वजह से उसको थोड़ा पीछे रखा है। तो वाईफाई की बात करें, तो वाईफाई इसका सेम ही है 802.11 बैंड्स के साथ। जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में इन्होंने थोड़ा इंक्रीज करा है, जो ब्लूटूथ का वर्जन वो इंक्रीज हुआ है। ब्लूटूथ का वर्जन अब हो चुका है 5.0, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, खासकर अगर आप दूसरों के साथ गेम्स खेल रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके, तो वो तो आपका बहुत बेस्ट चलेगा। GPS भी आपको इसमें मिल जाता है, इंफ्रारेड पोर्ट, जिसके लिए Xiaomi फेमस है, और USB टाइप सी मिल जाता है आपको, जिससे आप चार्जिंग कर सकते हैं, माइक डाटा शेयर कर सकते हैं, जो कि है 2.0। चांसेस आपको इसमें फिंगरप्रिंट है, जो कि बैक साइड पे है। प्रॉक्सीमेट सेंसर, कंपास मिल सकती है आपको,
और ब्राउजर है इसका HTML वगैरह सारा, आपको बीच में SMS पब्लिश ईमेल आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें, जो आजकल वैसे सारे फोनों में ही आ रहा है। ये जो बैटरी है इसकी वो है 3000 mAh की, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और स्टैंड बाय पे ये बैटरी निकाल जाती है 73 hours, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आ जाता है 3-4 बहुत कलर्स में आ जाता है, ये ब्लैक, गोल्ड, ब्लू, रेड, रोज गोल्ड। तो इसके बेंचमार्क परफॉर्मेंसेज मैं आपको नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आप नीचे मुझे सुझाव करके बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो इस प्राइस की रेंज में इस स्पेसिफिकेशंस के फोन आई थिंक ठीक भी है, पर मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे को ठीक लगा इस प्राइस की रेंज में। तो आप भी नीचे अगर आपका कोई सुझाव हो, आपको फोन कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।